तो कैसे दोस्तों उम्मीद करते हुए होंगे। तो देखिए दोस्तों, एक मेरे पास सवार शंकर जो स्टार्टर जो है तो ये रिपेयर होने के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे फॉल्ट क्या है दोस्तों, मैंने इस पे पहले मैंने देखे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पे क्या फॉल्ट है तो मैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, और इस पे क्या अभी दिक्कत है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे सप्लाई देने पर ये हम लोग का मोटर ऑन नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मोटर ऑन नहीं होता तो किस कारण के ऑन नहीं होते दोस्तों, तो मैं उस पर भी सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इस जगह पे मैं सप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो आप सबको सप्लाई दे के मैं इसको चेक करवाऊँगा सबसे पहले, तब जाके मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए ये हम लोग का हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं इसको खोल लेते हैं। तो इस पे हम लोग का दिक्कत क्या है दोस्तों, तो देखिए ये हम लोग का दिक्कत है कि जो हम लोग का कॉन्टेक्टर ठीक है बा रिले, ये हम लोग का ख़राब है। कौन सा खराब है, ये हम लोग का जो रिले है ना, ख़राब तो है ही। ठीक है, कि हम लोग का ख़राब कौन सा, ये हम लोग का जो एक कॉइल लगा हुआ था ना कॉन्टेक्टर पर रिले के, तो ये हम लोग का जो कॉयल है तो इस पे हम लोग का कॉयल ही ख़राब हुआ है। अब इस पे किस वजह से कॉयल ख़राब हुआ है वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, वो और उस पर भी बताऊंगा। तो चलिए मैं इसको सबसे पहले मैं देखिए, इस जगह पे कनेक्टर है वायर का, तो मैं इसको ठीक है न्यूट्रल फेज में इस पे लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस जगह पे देख के लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मान के चलिए ये हम लोग का न्यूट्रल, ये हम लोग का फेज हो गया पहले। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। और ये मान के चलिए ये हम लोग का हो गया न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस पे देते हैं सप्लाई। देखिए आप सप्लाई इस पे देते हैं, तो सप्लाई दे देते दोस्तों। तो देखिए इस जगह पे जो है ना, तो ये हम लोग का 224 वोल्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अब ये हम लोग का 0-0 हो गया। ठीक है, देखिए 224 वोल्टेज है, तो अब देखिए ये हम लोग का 0 हो गया, तो मतलब अब हम लोग का एम्पियर बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब एम्पियर बढ़ेगा तो ये हम लोग का मैं अभी ऑन नहीं किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम लोग का ऑन होने पर ये हम लोग का एम्पियर इस जगह पर दिखाई करती है, हम लोग का कितना एम्पियर ले रहा है और बाकी कितना वोल्ट। तो इस जगह पे मैं प्रेस करता हूँ तो ये हम लोग का कोई भी साउंड इस पर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस पर साउंड इस जगह पे मैं प्रेस करता हूँ तो कोई भी जगह पे एम्पियर भी नहीं ले रहा। ठीक है, तो इस पर दिक्कत है क्या दोस्तों, तो देखिए ये हम लोग का जो कॉन्टेक्टर बारीले है तो उस जगह पे फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस जगह से तो इसको जो प्रेस करते तो ये हम लोग का यदि ऑन हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये यदि ऑन होता ना तो हम लोग का मतलब ये हम लोग का जो स्विच है ये हम लोग ख़राब है, मतलब ये यदि ऑन होता तो उस जगह पे जो रिले व कॉन्टेक्टर से। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का ऑन ही नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का ऑन करने से ये हम लोग का ऑन करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जगह से ही हम लोग का जो मैग्नेट है ना, तो ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड करता ही है, हम लोग तब जाके हम लोग का ऑन होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसको इसको जो है तो मैं इसको न्यूट्रल फेज में निकाल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस पे जो वायर है तो मैंने इसको निकाल लिया है, ये जगह पे वायर वायर लगा है। ठीक है, ये जगह पे मेरा वायर लगा है, तो उस जगह पे मैं वायर निकल लिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इस जगह पे आपको फॉल्ट दिखाएंगे और फॉल्ट पे आपको वो भी काम करना सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस जगह से मैं काम करेंगे इस साइड से। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इसको मैंने घुमा लिया है इस साइड से। ठीक है, तो मैं इसको खोलेंगे। देखिए सबसे पहले मैं इस चारों स्क्रू जो है ना, इस चारों जो स्क्रू है, इस चारों स्क्रू के मैं इसको निकालूंगा। ठीक है, तो जो नीचे के साइड लगे हैं देखिए, तो चलो इसको फूल चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप देखिए आपको चेक करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी मैंने इसको चेक किए हैं, तो ये हम लोग का जो
इसका जो कॉयल है ये हम लोग का ख़राब है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए ये जगह पे, एक जगह पे लगा हुआ है, तो आप यदि खोलेंगे तो एक मोबाइल पे एक फ़ोटो के द्वारा खींच लेना, ठीक है, जैसे फुल वायरिंग नहीं हो। गलत वायरिंग करने से हम लोग का फिर से कॉइल भी जा सकता है, ठीक है जी। तो इसको मैं अंदर की साइड नहीं खोलूँगा, सिर्फ मैं खोलूँगा ये, ठीक है, और ये जो ई जगह पे रहेगा, ये जगह पे रहेगा, ठीक है। तो मैं नीचे की साइड का इसको निकालूंगा, तो इसको घुमा लेंगे ऐसे करके, तो एक स्क्रू खुला है ऑलरेडी, देखिए एक स्क्रू खुल चुका है। तो देखिए ऐसे तो ये भी खुल गया, ठीक है। तो चारों स्क्रू खुल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा इसका ढक्कन, आप जैसे थे वैसे ही आपको लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तो इसको कॉइल, ये हम लोग का कॉइल है एक, ठीक है। तो इस कॉइल को आपको चेक करना भी सिखाएंगे कैसे करते हैं। तो देखिए ये जो कॉइल है, ठीक है, तो आप जो मल्टीमीटर है, एक मल्टीमीटर लेके बजट के रेंज में रखना है इसको, ठीक है। और इसको दोनों इसे देखिए कोई भी साउंड नहीं आ रहा, ठीक है दोस्तों, इस पर कोई भी साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉइल ख़राब है। अब इसको सीरीज लाइन से भी टेस्ट कर सकते हो, तो मैं इसको टेस्ट करना नहीं सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीमीटर से आप टेस्ट कर सकते हो आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक साइड रखते हैं, तो देखिए मैं दूसरा लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये है दूसरा, तो देखिए इसको भी दिखाए देते हैं आपको चेक करके, ठीक है। तो इसमें देखिए रीडिंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 415 ओम्स आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का जो कॉइल है ये हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। तो इसको लगाएंगे अब, आप जैसे खोले तो उसे ही आपको फिक्स करना है इसको, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए तो ये हम लोग क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है, तो ये थोड़ा हम लोग का पानी पानी जो है ना, ये हम लोग का आ गया था इस पर, तो इसलिए ऐसा दिखने को मिला कि ये हम लोग का नया है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे जो गोल गोल देख रहे हो ना इसको कॉइल के ऊपर पे, तो इसको जो जो स्प्रिंग है ना, तो इसको अंदर पे लगेगा, ठीक है। तो मैं देख के लगा लेता हूँ, तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो देखिए तो ये हम लोग का 12 कॉइल है और ये हम लोग का छोटा कॉइल है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का सेमी सेमी है, आप छोटा व 12 इस पर लगा सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का कॉइल का साइज़ छोटा है, इस कॉइल का साइज़ बड़ा है, ठीक है दोस्तों। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो मैं आसानी से मैं आपको सेट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसको जो पत्ती है, तो मैं इसको ऊपर पे रख देता हूँ पत्ती को, ठीक है। तो देखिए तो ये मैं ये आसानी से हो गया, और इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ अब देखिए इसे। तो इसको टाइट कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो एक और है, तो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो नट है, तो इस जगह पे नहीं फिक्स हो रहा, इस नट को मैं टाइट करूँगा इस साइड, देखते हैं।
तो ये तो फिक्स हो चुका है इस साइड, इसको देखते हैं इस साइड फिक्स करके। तो ये जगह पे ये फिक्स हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और इसको कर लेंगे टाइट, तो ये हो गया टाइट दोस्तों, ठीक है। तो आपको टाइट कर देना ये अच्छा से, तो ये हो गया। ओ सॉरी दोस्तों, ये हम लोग का जो कॉइल है ना, तो इस साइड हम लोग का हो गया, तो कॉइल हम लोग का इस साइड होगा इस तरफ, ठीक है। कॉइल का जो पिन जो है ना, ये जो पिन इस साइड होगा, ठीक है। तो इस जगह पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्यों दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, कि हम लोग का वायर छोटा हो जाएगा, तो इसको खोल के इस साइड करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इस जगह पर, चलिए मैं वीडियो कटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है दोस्तों। तो इसको जो है ना, तो इसको आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो इसको जो वायर है, तो इस जगह पे कनेक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा वायर लेके, तो देखिए मैं एक ऐसे वायर लेके मैं इसको करूँगा, ठीक है। और जो इसको जो इस रूप है, तो इस जगह पे इस रूप, तो इस पर नहीं दिए जाते हैं। तो देखिए इस जगह पर ना, मैं दूसरा इस रूप इस पर देखे टाइट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको कटिंग कर करके मैं जगह पे फिक्स करता हूँ, ठीक है। इस साइड हम लोग का ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जगह मैं इसको फिक्स कर लेते हैं, तो मैं इसको घुमा लेते हैं। तो देखिए जैसे इसको मैं कर लेता हूँ अच्छा से, ठीक है। तो ये हो गया, तो मैं इसको टाइट कर दूँगा अच्छा से, ठीक है दोस्तों। कहीं लूज नहीं रहे, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, और इसका सब कटिंग करते हैं इसको, चलिए। और इसका साथ और इसका साथ ऐसे करके कनेक्शन करके इसका जो अंदर है, तो इसको दे देना है, ठीक है। देखिए अब ठीक है दोस्तों, और इसको देना है टाइट कर। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। एक साइड और बचा ये, तो ये वायर ये पे लग जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसको भी टाइट कर देते हैं, तो कैसे करना है, तो इसको भी ऐसे करके लेके, ठीक है। तो देखिए देखिए, तो वायर आपको जो छोटा पड़े तो आप इस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वायर हम लोग का छोटा नहीं पड़ना होगा, ये वायर छोटा में नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको निकाल के ऐसे करके कर देते हैं, चलिए।
तो इस ग्रुप नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इस ग्रुप लग जाएगा तो अच्छा, ये मछली बैठ गया। तो अब इसको कर देते हैं फिक्स। चलिए तो इसको कर देते हैं अब टाइट, लूज कनेक्शन नहीं रखना आपको, ठीक है। ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको अब कर देते हैं फिक्स इस जगह पे। तो सारी तो सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं दूसरा ना प्रेस हूँ, दोस्तों मैं देखिए ये मैं दो ही टेप, सॉरी मैं दो ही स्क्रू पीछे के पे लगाऊंगा, ठीक है। तो इस साइड नहीं लग रहा तो मैं इस साइड लगा लूंगा और इसको मैं बाद में लगा लूंगा, ठीक है। तो हो गया इसको, ठीक है। इसको तो इसको ऐसे करके घुमा लेते हैं। चलिए ये हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इस पे देता है सप्लाई, ठीक है दोस्तों। तो इस पे दे दिए सप्लाई दोस्तों, ठीक है। तो 200 हो गया, तो इसको ऑन करते हैं। तो ये ऑन हो गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग का एंटर नहीं लेगा, ठीक है। क्यों नहीं लेगा, अभी हम लोग का जो मार्सल है ना, जो मोटर का जो वायर, तो इसका हम लोग का कनेक्शन नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का इसलिए अभी 0-0 दिखा रहा है, यदि हम लोग का ऑफ हो गया तो आप सुन भी सकते हो, देखिए सुनिए, ठीक है। तो देखिए ई जी के पे देखिए, तो आपको दिखाते हैं अंदर के साइड से। तो देखिए ई जी के पे देखिए, मैं ई जी के पे जो इसको जो चालू करूँगा ना ई जी के पे, तो ये हम लोग का ऑन हो जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इसको ऑफ देखिए ई जी के पे, देखिए ई जी के पे फोकस कीजिए अच्छा से, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप कोई सा भी जो स्टेटर हो तो आप इस पर रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो इतनी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, आप नहीं आते तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ठीक है। और भी जानकारी लगे तो कमेंट करना मत भूलना, ठीक है।